कौन बताएगा मुझे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम? यू कैन रेज योर हैंड. ओके, नो मिस. यस निकिता, द कर्व विच शोज द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एट ईच वेवलेंथ इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ओके यस शरण, व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम? एक्शन स्पेक्ट्रम शोज ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट ईच वेवलेंथ. ओके वेरी गुड. एंड व्हाट इज अ व्हाट कैन आई से रिलेशन बिटवीन टू? हु विल टेल? How action spectrum and the absorption spectrum are related? यस भूषण. सर, इन एक्शन स्पेक्ट्रम इट एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन रिलेशन टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट. इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्विंग कैपेसिटी ऑफ पिगमेंट. दैट इज करेक्ट. दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. बराबर है. बट एक्शन स्पेक्ट्रम के बेसिस पे एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? क्या होगा अगर देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप? राइट, कुछ ना कुछ तो दोनों के बीच में कनेक्शन है. रिमेम्बर सबको दिख रहा है द रिलेशन इज लाइक जहां जहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यू हां मतलब काइंड ऑफ ऐसा हम लोग यहां पे कहीं भी मेंशन नहीं कर सकते कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज सच. बट या द फैक्ट इज वेयर एवर देयर इज अ मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट देयर विल बी मोर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, because why I'm saying we can't directly use directly proportional thing because usme is like ki after a particular point jab wo sunlight agar bahut zyada absorb hoga to definitely it will affect some extent to the photosynthesis. ab wo kaise hoga kya hoga that we will see in a later part of this particular chapter. aisa nahi rehta hai ki matlab light dete jao aur photosynthesis karwate jao. no, even the plant has its limitation. राइट, मतलब जितना ज्यादा लाइट देंगे ऑब्वियसली उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्लांट का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा बिकॉज मोर टेम्परेचर मोर ट्रांसपिरेशन. डू यू नो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? एनीवन एनी आइडिया व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? इफ नो प्लीज note it down and let me know in the next class what is transpiration. I don't want any typical bookish definition, nothing, just us word ka meaning dekh ke aao ki transpiration kya hota hai. okay, and then we also had seen the absorption spectrum and I had given you homework also chlorophylls and carotenoids ka absorption maximum find karne ke liye. what was it? एनीवन किसने देखा? यस शरण.
क्लोरोफिल का 450 टू 470 नैनोमीटर, क्लोरोफिल ए का, और क्लोरोफिल बी का 650 टू 675 नैनोमीटर, कैरोटीनॉइड्स का 450 टू 475 नैनोमीटर, लैंथोफिल का 400 टू 500 नैनोमीटर, ल्यूटिन का 370 नैनोमीटर, वाइलोजेंटिन का 416 टू 465 नैनोमीटर, अल्फा कैरेटिन का 421 टू 470 नैनोमीटर, बीटा क्रिप्टोजेंटिन का 426 टू 476 नैनोमीटर, बीटा कैरेटिन का 426 टू 476 नैनोमीटर, लाइकोपिन का 444 टू 502 नैनोमीटर, जियाजेंटिन का 424 टू 475 नैनोमीटर. That's a huge list. Okay, fine. So if you just see the numbers जो अभी शरण ने just बोले, and if you just compare it with the graph, most of the हेलो ओके सो मैं बोल रहा था कि इफ यू सी इज द स्क्रीन विजिबल एक्चुअली देयर इज सम काइंड ऑफ नोटिफिकेशन हेलो यस ओके यस थैंक यू सो इफ यू जस्ट सी जस्ट द नंबर्स जो अभी शरण ने बताए अबाउट फॉर अ पर्टिकुलर स्क्लेरोफिल या फिर carotenoid, it is mostly in a range of 400 to 500, that is a blue-purple region, okay? However, some kind of like, some chlorophylls actually shows a little bit absorption in a red region as well, and that's why you can see, but the majority of the absorption happens in this particular region. So I hope now you can compare. Abhi tum log ke paas values bhi pata hai, and you have a absorption spectra in front of you. So now you can see ki exactly kaise absorption spectra it's increasing, it's like it is actually changing. So initially it's less, then more, at low wavelength it is highest, and then it keep on going down. Okay, so this was few things which we had discussed in last lecture, right? Uske baad hum logon ne mechanism of photosynthesis start kiya tha, and I had explained you about the very first experiment which had said that ki Van Mill, how Van Mill proved that oxygen, which is not proved actually, how Van Mill proposed that the oxygen which is released during photosynthesis is coming from water and not from the carbon dioxide, because at that time it was thinking or thought process, people used to think that CO2 break ho raha hai, C plus O2 ho raha hai, C ja raha hai glucose mein aur O2 release ho raha hai in atmosphere. But then scientists were not all people were convinced, right? So that's why Van Mill has performed that typical sulfur reducing bacteria wala experiment using H2S, jahan pe unhone dekha ki when he is using H2S in a particular process of synthesizing carbohydrate, is the sulfur is released at the end, and then he proposed that agar humne H2S ko H2O se, that is water se agar replace kiya, so definitely at a place of sulfur water will be released. But ye experiment usne propose kiya, ek postulate kiya tha, but further pure confirmation was done by the next scientist. Okay, so next scientist, kya humne Rubin ka experiment discuss kiya tha in last lecture? Yeah. Okay, sorry. So uske baad after almost 10 years on उसके बीच में और एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, बट दैट इज हिल्स एक्सपेरिमेंट. सो वी विल सी हाउ हिल्स एक्सपेरिमेंट हेल्प, बट बिफोर दैट जस्ट अ ग्लिम्स. ओके, सो 1931 वैन ने, उसके बाद हिल्स, एंड देन 1941 रूबेन. सो रूबेन ने ये सेम एक्सपेरिमेंट कंफर्म किया यूजिंग क्लोरेला. व्हाट इज क्लोरेला? प्लांट. ओके, व्हिच टाइप ऑफ प्लांट इट इज? Green algae. Yeah, it is green algae. That's correct. Okay, so and you need to please keep in mind, okay, because
generally people ask such kind of questions. So Pleurella is a kind of, you can say, experimental organism for Rubin. So they might ask you, what was the experimental organism for Rubin? What was the experimental organism for Hales? So what was the experimental organism for Van Niel? So such kind of questions are very common. So keep such things very clear. So Pleurella is a green algae, and Rubin had used it to confirm the hypothesis which was postulated by Van Niel. Okay, so what he did, he used a water, because Van Niel ne bola tha na ki water agar use kiya to oxygen release hoga karke instead of H2S. So to confirm that, Rubin actually used a water, but the water was not a normal water. It was a water with the heavy isotope of oxygen. So hum logo ko pata hai oxygen water contains two molecules, H2O. So the O molecule of the normal water was actually replaced by the heavy isotope, that is the O18. Again, important MCQ question. What was the heavy isotope used? It is O18. Okay. So this particular heavy isotope okay, so now before I continue, I just want to say, now it's 7:50 and I don't want to see anyone now opposite joining, because it's kind of disturbing here. So please join on time, 7:30, 7:35 still fine. Uske baad agar next time koi aaya to nahi rahunga. Like I will not admit, sir will take a call. Okay, so let's continue. So जब उसने वो वाटर में से नॉर्मल ऑक्सीजन को रिप्लेस किया विद द हेवी आइसोटोप, द ऑक्सीजन विच वाज इवॉल्व आफ्टर रिएक्शन, तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया. ओके, तो फॉर्मेट वाज सेम, इट वाज 6Cl2 12H2O गिव्स कार्बोहाइड्रेट वाटर एंड 6H18O. ओके, सो व्हाट ही सेड कि जो ऑक्सीजन एक्चुअली इवॉल्व हुआ था, उसने उसको टेस्ट किया, जो यहाँ पे 6H18O2 रिलीज हुआ था वो उसने चेक किया, एंड ही एक्चुअली प्रूव्ड दैट कि वैन नील वाज राइट, जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ था दैट वाज एक्चुअली 18O2, और हम लोगों ने 18O2 कहा, मतलब हेवी आइसोटोप कहाँ यूज किया था, पानी में. सो ही एक्चुअली कन्फर्म दिस थिंग कि जो वाटर, दैट वैन नील वाज राइट एंड oxygen which is actually released during the process of photosynthesis is coming from water and not carbohydrate. I think now it will be more clear to you, because you can see CO2 ka jo oxygen hai, that is not a heavy isotope, that is normal oxygen. However, water ka jo oxygen hai, that is a heavy isotope. So jab unhone pura reaction final kiya aur jab oxygen completely release ho raha hai, the release oxygen is actually a heavy isotope. Which means कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है दैट इज कमिंग फ्रॉम वॉटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ओके, सो दिस वॉज अनदर एक्सपेरिमेंट, बट देर वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, दैट वॉज हिल्स एक्सपेरिमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फोटोसिंथेसिस. पीपल एक्चुअली मतलब इट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, बिकॉज हिल ने एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए थे. लाइक ही एक्चुअली रिसर्च ऑन फ्यू थिंग्स एंड ही प्रूव्ड फ्यू थिंग्स व्हिच एक्चुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छे से. ओके, सो इन 1937, सो आई सेड ना, सबसे पहले 1931 में वैन नील ने किया था, 1941 में रुबेन ने किया था, बट बीच में उसका और एक रिएक्शन हुआ 1937 एंड इट वाज हिल्स एक्सपेरिमेंट. व्हाट ही डिड, हिल ने यूज किया था स्पिनच लीव्स. ओके, तो स्पिनच में से ही एक्चुअली आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट. ओके, दैट टू इन अ मीडियम व्हिच कंटेन्स द वाटर, बट ही वेरी क्लियरली मेड श्योर दैट कि जो उसका वाटर है दैट इज कंप्लीटली प्योर वाटर एंड इट डज नॉट कंटेन इवन अ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो दैट देयर विल बी नो एरर्स इन एक्सपेरिमेंट. तो ही मेड श्योर दैट द वाटर इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इम्प्योरिटीज. द सेम मीडियम ही एडेड अ फेरिक कंपाउंड. ओके, तो व्हाट ही डिड, उसने एक
बिकर लिया, लेट्स से बिकर में उसने क्लोरोप्लास्ट डाल लिया व्हिच ही हैड आइसोलेटेड फ्रॉम द स्पिनच एंड इट वाज ऑल इन अ मीडियम दैट कंटेन्स अ वाटर एंड उसने उसने डाल लिया फेरिक कंपाउंड. तो हमने क्या क्या डाला, स्पिनच, क्लोरोप्लास्ट, वाटर एंड फेरिक कंपाउंड. नाउ ही एक्सपोज द पर्टिकुलर मिक्सचर टू द लाइट. जैसे उन्हें एक्सपोज किया, व्हाट ही ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ चेंज इन अ कलर ऑफ फेरिक कंपाउंड ड्यू टू रिडक्शन. मतलब वहां पे कुछ तो रिएक्शन हो रहा है, मतलब कलर चेंज हो रहा है. इट मीन्स देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ रिएक्शन हैपनिंग. और जब उसने स्टडी किया, इट ही ऑब्जर्व दैट इट इज रिडक्शन एंड दैट टू द रिडक्शन. जब हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है, व्हाट डू वी मीन बाय रिडक्शन, वी नो देयर इज अ गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और gain of electrons kind of thing, right? So here it was like gain of hydrogen. Okay, so he was very much clear ki okay, hydrogen to maine specially add kiya nahi tha, to aaya kahan se? Obviously na, humne kya kya add kiya tha, chloroplast, water aur ferric compound. So he was very much curious ki are aaya kahan se hydrogen. And then when he studied further, he observed that ki jo hydrogen gaya hai for reduction, that is actually removed from the water. Okay, so from that he proposed that there is actually happening a particular process known as photolysis of water. The word itself, photolysis matlab kya, lysis matlab kya, breaking down, photo light ke basis pe. So light ko use karke jo breakdown ho raha hai water ka, that is called as photolysis of water. Okay, and he observed that the source of, so when we are breaking down the water, he observed that the source of evolved oxygen has to be from water, because water breakdown ho raha hai in the process, not carbon dioxide. So he, in case of Rubin, we saw what ki usne oxygen ko heavy isotope se replace kiya tha and he performed that experiment. However, here has a different strategy. यहाँ पे इसने किस पे focus किया था? In a reduction process. So he said reduction हो रहा है, मतलब hydrogen आ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं से आता रहेगा, उसका source क्या है? To find out that source, he found that there is a process happening known as photolysis of water. And from that he said, अगर water breakdown हो रहा है, तो obviously जो hydrogen से निकल रहा है, that will go for reduction. और जो भी oxygen निकल रहा है, that will be released. And that's why he confirmed that the O2 jo aa raha hai, that is from water and not from the CO2. So these observations directly prove that the hydrogen comes from the water as a result of photolysis and the O2 is evolved. Okay, so itna isne completely 100% confirm kar diya tha. Later, Rubin and Kamen, again as I mentioned, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उन्होंने ये सेम प्रूव किया यूजिंग अ डिफरेंट स्ट्रेटजी एंड दैट वाज अ आइसोटोपिक ऑक्सीजन 18O2 व्हिच इज अ हेवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हिच एक्चुअली कंफर्म द सेम थिंग जो हिल्स ने प्रूव किया था. सो देयर आर थ्री एक्सपेरिमेंट्स राइट नाउ व्हिच वी हैड स्टडीड, दैट इज वैन निल का, हिल का एंड द थर्ड वन वाज रुबिन एंड कैमेन. ओके, after this there were a few more additional things which was done by Hills. So another approach you can say, so it was like he has taken a hemoglobin. Okay, so by adding hemoglobin in a culture, one can directly say ki oxygen kahan se aa raha hai, matlab basically it is source of oxygen is what, water or some other component or what. So because we all know hemoglobin ka color kya rehta hai, red in color, and we I don't know whether you have studied this in chemistry yet, but you will be definitely reading these terms like oxyhemoglobin, carboxyhemoglobin, and like when oxyhemoglobin is kya, when oxygen is reacting with hemoglobin, carboxy is like when carbon dioxide is reacting with the hemoglobin, such kind of terms. Sometimes even carbon monoxide comes in the picture and it forms some kind of component. So whenever oxygen reacts with the hemoglobin, it forms the oxyhemoglobin, which is actually red in color. Okay, then
this observation, whatever oxyhemoglobin was, this confirmed that the H2O must have oxidized the release O2 that reacts with hemoglobin. So because उसने क्या किया था, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग ऑल दिस थिंग. मतलब अगर तुम सिर्फ ऐसे ब्लाइंड माइंडली रीड करोगे तो कुछ नहीं समझेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसने क्या किया था. उसने हीमोग्लोबिन लिया था सबसे पहले. वी हैव अ मीडियम व्हिच कंटेन्स ओनली वाटर. उसने उसमें हीमोग्लोबिन डाल लिया. ओके, then he said that because of the there is some kind of oxygen present in the medium which is actually oxidizing, or we can actually forming a oxyhemoglobin. And then he said that it means ki agar hemoglobin ka oxyhemoglobin ban raha hai to definitely oxygen is coming from somewhere, right? Aisa nahi ki matlab bahar se ja raha hai. If someone's mic is on, please mute yourself, and if you are to ask you can ask, but agar galti se hua hai to please. Okay, so definitely the oxygen needs to come from somewhere. And then he also again confirmed that it is from the water. Okay, and that's how he again proved that the water is splitting and not the carbon dioxide. So this was a major issue at that time. Matlab abhi agar hum log bole to now we are having enough source of experimental proofs that proves that ki water ka breakdown hota hai, oxygen hota hai. But at that time people were very confused, and that's quite obvious as well. Agar mujhe koi CO2 aur H2O dikha raha hai, main to yehi sochunga na CO2 ko breakdown karunga to oxygen nikal jayega, rather than thinking H2O ka, because H2O mein fir wahi pe ek hi wo oxygen molecule dikhta hai, fir wo it makes things more complicated, which are actually complicated. So jaise jaise hum log aage badhenge, you will actually get to know how H2O is splitting, there is a transfer of electrons, finally there is some kind of reactions happening which will release the oxygen at the end. Okay, but till now he could prove this, that he could prove that the oxygen which is actually releasing and bringing some kind of changes in the medium is coming from the water, because anywhere he did not use carbon dioxide. मतलब carbon dioxide picture में है ही नहीं. अगर picture में है ही नहीं तो obviously उसको हम लोग किस चीज का लिए appreciate करेंगे. So we are coming back to water, because water is already in the picture and we know something is coming out from the water, and that something is nothing but the oxygen. So hence he proved that the source of oxygen evolving from photosynthesis is water and not a carbon dioxide. This was very 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 important one. They might ask you for 2 marks or 3 marks that how he'll prove that the source of oxygen is water and not carbon dioxide. So be very careful, and if you are having any doubts, you can ask. So this entire reaction jo he'll diya tha to prove this typical fact, it is now known as Hill's reaction, and as I mentioned, it is very famous and very important one when it comes to photosynthesis. Okay, so from the entire last slide and this slide, what we could conclude from Hill's experiment, there are two important points which he had studied. First, in photosynthesis, oxygen is released from water. Yeah, agreed, because two experiments he had done and both of them proved that. Secondly, the electrons for the reduction of carbon dioxide are obtained from water. Now, ये बात अभी तक हमने यार डिटेल में डिस्कस नहीं की. Right, but if you see the first experiment जहाँ पे reduction की बात हो रही थी, तो Hill ने पूरा focus reduction पे रखा था, because there was no water or there was no carbon dioxide at all in this medium, right? So he actually proved that reduction के लिए जो भी electrons required, जो भी hydrogen atoms required, that are coming from the water, because water is the only component at this moment which is splitting, जिसका breakdown हो रहा है, जिसका photolysis हो रहा है. Okay, so these are the two important points which was given by him. So I hope you understood the concept which was given by Van Niel. सबसे पहले Van Niel ने किस पे काम किया था? Sulfur. Yeah, sulfur is one component, but उसने क्या plant पे किया? Bacteria. Yeah, it was a bacteria. Then Hill ने क्या यूज किया था? Spinach.
yeah, spinach leaves. And the third one was Ruben and Carmen. What they used? Chlorella. Yeah. And what is the conclusion from all the three experiments? Oxygen is released from water. Yeah. So these are the two or three important experiments which you need to keep in mind. So ये हो गया क्योंकि अभी हम लोग को mechanism तो slightly समझ में आ गया कि हो क्या रहा है. Now when they studied the reaction as a whole, they found that this reaction is actually a redox reaction. What is redox reaction? Can anyone tell me? Both oxidation and reduction occur simultaneously. Yes. So in redox reaction, both oxidation and reduction occurs simultaneously. What is oxidation? Adding of oxygen, removal of hydrogen, increase in state of oxidation number, loss of electrons. Yeah, very good. So these four points need to be very clear. Addition of oxygen, correct, removal of hydrogen, loss of electrons, and the change in oxidation state, which is generally increases in a case of oxidation reaction. And the stuff completely ulta happens in a reduction reaction. So when they did a study, they found that this particular photosynthesis reaction, jo hum log likhte to hai ek line mein, but it is actually a redox reaction jahan pe दो स्टेप्स होते हैं. जैसे मैंने पहले भी बोला था, व्हाट आर टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैपनिंग अंडर द रूफ ऑफ फोटोसिंथेसिस? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो दिस इज द वन. एक्चुअली दो जब लाइट एंड डार्क हो रहा है, देयर इज सम काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट फोटोसिंथेसिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन. अगेन अ वन मार्क और अ टू मार्क क्वेश्चन दे कैन आस्क यू व्हाई फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. So why? Because it is a reaction in which oxidation and reduction process occurs simultaneously. How? Oxidation matlab water is actually getting oxidized to release the oxygen molecule, and carbon dioxide is actually getting reduced to form a sugar. So that's how the two important. Now we will study how water is oxidized and how carbon dioxide is reduced. Yes sir, abhi hum log aur detail mein padhenge. Each and everything ka mechanism, we will actually see how the water is oxidized and how the oxygen is released from a particular process. But you need to keep in mind that ये जो reaction है, it is a redox reaction और इसमें एक oxidize हो रहा है और एक reduce हो रहा है. अगर oxidize कौन हो रहा है पूछा, so it is water which is getting oxidized, and reduce कौन हो रहा है पूछा, so it is carbon dioxide which is getting reduced. Okay, and as I already have mentioned previously also, the process of photosynthesis includes two major reactions, that is a light reaction and a dark reaction. Light reaction, name itself mentions that it requires light. Without light, the reaction cannot take place. Please mark this thing. Without light, the light reaction is impossible, and that's why it is the name itself is saying, right? Light reaction. And this reaction is also called as photochemical reaction. Okay, so light reaction या फिर photochemical reaction is said and it requires light. The second reaction is a dark reaction. Now dark reaction मतलब ऐसा नहीं कि ये dark में ही होता है या फिर इसको light की जरूरत नहीं है वगैरह, ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते. What does dark reaction mean? It means the reaction which is independent of presence of light. लाइट है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये रिएक्शन होते रहेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ बायोकेमिकल रिएक्शन. ओके, सो इफ टुमारो समवन आस्क यू टू गिव अ डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन, डोंट गेट कंफ्यूज कि अरे ये क्या है. इट इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड अ डार्क रिएक्शन. ओके, सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस व्हिच एक्चुअली टेक प्लेस इन अ फोटोसिंथेसिस, एंड दिस अगर सक्सेसफुली मतलब पहले हमेशा लाइट रिएक्शन बनेगा. लाइट रिएक्शन जब भी होगा तो इसमें वही सब होगा जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑल. ओके, बट वन की इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लाइट रिएक्शन इज द अमाउंट ऑफ एटीपी, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एटीपी एंड एनएडीपीएच.
is produced during the light reaction. And what ATP and NADPH can be act as a source of energy, which can be utilized at a later stage in a dark reaction. So लाइट रिएक्शन में जो भी कुछ बनता है वी कुड से वो यूटिलाइज होता है इन अ कंप्लीशन ऑफ डार्क रिएक्शन. ओके, तो हमेशा सबसे पहले लाइट रिएक्शन होगा विच विल बी देन फॉलोड बाय डार्क रिएक्शन. सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द लाइट रिएक्शन इन डिटेल. प्लीज लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट टिल नाउ. अगर कुछ भी है, इवन इफ इट्स द सिंपलेस्ट ट्रिक, प्लीज पूछो, बिकॉज़ अभी इससे आगे थोड़ा पाथवेज वगैरह आएगा, नॉट इमीडिएटली बट मे बी इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द पाथवेज. अभी तो हम लोग इंट्रो देखेंगे अबाउट लाइट रिएक्शन. बट इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, लेट मी नो. यू कैन रेज योर हैंड्स एंड वी कैन डिस्कस. No, wow. तो सबको सब समझ आए, राइट? यहां पे पढ़ा ही रही है घर जाके वापस से. Whatever, I will suggest एक बार वापस से पढ़ो आज घर जाके करते ही. But after lecture, whenever you get time, please read. See, the chapter is not that big, around 12-13 pages का है. Now we are almost on 4th or 5th page. तो जितना जल्दी तुम रीड करना चालू करेंगे करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, because then it will be not a burden. When we will be at end of a chapter, और तब अगर तुमने start किया, you have to read the entire chapter at in a one day or two day. That too at all if you want to ask a question. If you are like in a typical mindset, exam आने दो, तब देखेंगे. वो भी अभी एग्जाम होगा नहीं होगा पता नहीं, काइंड ऑफ सिचुएशन है. बट डोंट टेक इट लाइटली. आई विल सजेस्ट प्लीज 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 बी वेरी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिगिनिंग इटसेल्फ, बिकॉज यू आर गोइंग टू शायद कॉलेज एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, आई हैव नो आइडिया, बट एंट्रेंस एग्जाम होने ही वाला है. भले लेट होगा जल्दी होगा, वॉट एवर विल बी द सिचुएशन, बट होगा ही. And when you will be going for entrance, no matter what JEE hai ya NEET hai, so you can't say ki hum log ne corona ki wajah se padha nahi, because it is very important stage of your life. I hope you all understand that thing, and I don't want to give any other kind of sermon on how important it is, but just for your benefit, read karo aur next lecture mein aake poochho if at all any doubts are there. Okay, so with this I will be beginning again with the light reaction in detail. So what is light reaction? Already मैंने बता दिया, it is a reaction जहाँ पे हम लोग actually energy को ले लेते हैं और उसको use करते हैं to produce ATP and the NADPH2. अगर मुझे उसको define करना है, it is like the reaction in which the solar energy is trapped by what? Obviously by chlorophyll pigments, and it is stored in a form of a chemical energy as ATP. ATP is an adenosine triphosphate which is actually produced during the whole process, and in the form also at the same time some kind of hydrogens are released, and which was actually accepted by a coenzyme known as NADP, that is a nicotinamide adenine diphosphate, and it forms NADPH2. Okay, so this ATP and NADPH2 are actually utilized for the next process, that is a dark reaction, but they are very very important components, and without them the next step will never happen kind of situation. So that's why it is a important step in a light reaction. And as I mentioned, during light reactions only photolysis of water takes place, and we all know during photolysis of water kya hota hai,
वाटर स्प्लिट होता है, मतलब उसका ब्रेकडाउन होता है एंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज रिलीज इन अ एटमॉस्फेयर. ओके, सो दिस इज अ वेरी बेसिक अबाउट लाइट रिएक्शन. सो नाउ वी विल गो इन डिटेल अबाउट लाइट रिएक्शन. सो इन लाइट रिएक्शन देयर आर टू इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स. सो एज आई मेंशन यहां पे केमिकल एनर्जी बनता है, दैट इज एटीपी बनता है. तो वो कैसे, सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस. सो I would say there is one important process which happens in the light reaction, that is a photophosphorylation. Okay, photophosphorylation. So photophosphorylation matlab synthesis of ATP in a presence of light. Okay, simple words. And this photophosphorylation can be of two types, cyclic and non-cyclic, which are all involved under the टाइटल लाइट रिएक्शन. तो ये सब हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे. देर इज अ सेपरेट पाथवे फॉर साइक्लिक नॉन साइक्लिक काइंड ऑफ रिएक्शन, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. हाउएवर, बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द लाइट रिएक्शन एज अ पाथवे, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. दैट इंक्लूड्स हाउ क्लोरोफिल इज एक्साइटेड, वॉट आर रिएक्शन सेंटर एंड वॉट आर फोटोसिस्टम्स. Now I understand, इन तीनों में से तुम लोग को सिर्फ क्लोरोफिल ही पता है, that too you don't even know how it is excited or what. That's why we need to understand exactly what are these three concepts, because in case of photophosphorylation, all these three things, chlorophylls, reaction centers and food system will be used. Okay, so be very attentive and tell me if you feel that there is something which is not clearly mentioned over here, या फिर नहीं समझ रहे. So the first thing is how chlorophyll is excited, because the entire game, I would say, is based on excitation of chlorophyll. Because light कौन ले रहा है, सबका सब पूरा का पूरा system is dependent on ओके. तो पूरा का पूरा सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन कितना लाइट आ रहा है और कितना जा रहा है, काइंड ऑफ सिचुएशन. मतलब कितना लाइट आ रहा है, कितना अवेलेबल है, कितना क्लोरोफिल ले पा रहा है, वो सब पे डिपेंड करता है. बट व्हाट फैक्टर डिसाइड कि लाइट आया है, क्लोरोफिल ने प्रोसेस किया है, नहीं किया, हमने कैसे समझेगा, राइट. सो देन पीपल स्टार्टेड सडन कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस अकर्स in the chlorophyll molecule whenever it is exposed to the light. So this particular phenomenon, they observed that there is something called as excitation is happening. Excitation happening when they are exposing the chlorophyll to the light. And this is called as photo excitation of chlorophyll. So this particular photo excitation is actually take place in a three simple steps. सबसे पहले normal chlorophyll रहेगा. I hope you understand what is a ground state and what is the excited state. In chemistry you might have studied this पहले ही. नहीं पता है, no worries, हम लोग discuss करेंगे इन्हें. So let me tell you from beginning क्या story है कि chlorophyll है normal, okay? Obviously molecule है तो उसके पास अपने खुद के electrons तो होने ही है, तो वो भी रहेंगे. So the moment we start exposing this particular pigmented molecule to the light, क्या होगा, light के वजह से उसके electrons excite हो जाएंगे. Excite होंगे तो they will go to, उनका energy बढ़ जाएगा, they will be more reactive and they will jump to the next step, that is called as excited state. Okay, so during this excited state उनका reactivity high रहता है and they are having a high amount of energy, that is why it is a excited state. So during this particular thing, the electron is actually given out from the molecule and it can taken up by different electron carriers, which will pass on the electrons to different new molecules, and that will be actually completing the light reaction of a photosynthesis. अभी वो electron कैसे निकलता है and how it is actually taken up by
इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, यस हम लोग वो सब देखेंगे एज अ पार्ट ऑफ द पाथवेज. ओके, फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर पिक्चर व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट व्हेन अ पर्टिकुलर फोटॉन इज एब्सॉर्ब बाय अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन व्हाट एवर प्रेजेंट इन द इन अ क्लोरोफिल इज एक्चुअली बूस्टेड टू द हायर एनर्जी लेवल. ओके, एंड दिस इलेक्ट्रॉन जो हम लोग ने ऑलरेडी हाई एनर्जी लेवल पे भेज दिया है दे टू बूस्ट इट, मतलब उसको वो हायर एनर्जी लेवल अचीव करने के लिए इट्स नॉट लाइक कि कितना भी लाइट दिया चलेगा, देयर इज अ वन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड. ओके, टू एक्साइट दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज अ क्वांटम एनर्जी. ओके, so this is an important one mark question, what is quantum energy? So this is an energy required to boost an electron to the higher energy state. Okay, so it was observed that whenever the chlorophyll is taking up an electron, it is getting to the excited state. Okay, and it will give out the electron, the pura process ho jayega vagera, fine. Uske aage whenever the light source is turn off, jaise hi light ko maine band kar diya, what happens? This electron will again come back to its normal state. Okay, that too very rapidly because there is no light, there will be no further excitation, no reactivity, no further process, and the electron will come back to its ground state, and that is actually called as a low energy state, or you can say a normal ground state. So there are two important states, ground state and excited state. Ground state matlab jahan pe wo itna reactive nahi hai, stable kind of structure hai. The moment you give it a light, it becomes more reactive, take up the energy and goes to the excited state. Jo bhi energy lagta hai, minimum energy to push this particular electron to the excited state is called as a quantum energy. Aur ye jo electron nikalta hai from the chlorophyll, that is actually taken up by a number of molecules which will complete the light reaction. Okay, so this is called as photo excitation of chlorophyll. After this, the second, as I mentioned, there is something called as reaction center. Now, what is reaction center? We all know. Light kone absorb karta hai? Which pigments or what component of a chloroplast or plants actually involved in the absorption of light? Chlorophyll. Yeah. So, chlorophyll we all know. ये सिर्फ एक ही टाइप का है या multiple types हो सकते हैं? Multiple type. Yeah. And what other types of pigments are present? Carotenoids, xanthophylls. Yeah. Xanthophylls, correct. So tell me कि अगर मुझे reaction carry out करना है तो without chlorophyll में कर सकता हूँ क्या? Using just carotenoids, या फिर xanthophylls और lutein, something like that. No. What we require for, what is essential for this particular reaction? Which pigment is essential? Chlorophyll. Which chlorophyll? Because chlorophyll can be types. A. Chlorophyll A. Yeah, very good. So chlorophyll A, तो चाहिए ही चाहिए, because that is an essential thing. Apart from that, there are multiple other enzymes which are available in a particular chloroplast, जो कि उसको support करेंगे, and they are called as a, क्या बोलते हैं बाकी pigments को, मैंने बताया था ये बात. Accessory pigment. Very good. So it is accessory pigment. So ये जो chlorophyll A है, जो chlorophyll A है, जो actually process react process complete कर रहा है, it is called as a reaction center. So यही हम लोग इस slide में देखने वाले हैं कि exactly reaction center क्या होता है. So as I mentioned, the light absorbing pigment जो भी होते हैं chloroplast में, they are actually local, within the chloroplast, they are present in a thylakoids of a membrane. Okay, and this particular chlorophyll, these particular chlorophylls are present as a clusters of a chlorophylls, different molecules of chlorophylls, as well as the accessory pigment. Okay, and within this cluster, there are two special types of chlorophyll A molecule, which is P680, P700. Now, तुम लोग बोलोगे कि ये क्या है P680, P700?
So this is just a name given to this chlorophyll molecule. Now, why this particular type of odd name, एक P letter or number आगे? Actually, wherever this 687 reduced ना, it is actually a subscript. I'm sorry, यहाँ पे हर जगह पे it is in a similar font, but P680 मतलब वो छोटा दिख लेता है, it is a subscripted number. There is a way to write this particular numbers. तो वो P और उसके नीचे छोटू सा 680 ऐसा लिखते हैं हम लोग generally. Okay? But okay, no problem with that. We need to understand what it means. So when I say P680, P680, so मतलब क्या है? P680 मतलब P stands for pigment. And 687 is nothing but the wavelength. So this number says that the pigment which absorbs maximum light at a particular wavelength. Wavelength can be 680, the 700. So when I say P680, it says the pigment which actually absorbs maximum light at a 680 nanometer. When I say P700, the pigment which absorbs maximum light at a 700 nanometer. So these are few things which they had noted, based on which they said that yeah, P680 and P700 are the two important reaction centers involved in a process of photosynthesis. And these molecules actually form the typical center, as I mentioned, and this is called as a reaction centers or a photosynthesis. Now, along with the reaction center, बाकी लोग का काम क्या है? जो भी एक्सेसरी पिगमेंट्स है, लाइक फ्लेवोनॉइड्स, डेंटोफिल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स, दे विल हार्वेस्ट द सोलर एनर्जी. हार्वेस्ट मतलब वो लोग पूरा एनर्जी को ले लेंगे एंड दे विल ट्रांसफर इट टू द रिएक्शन सेंटर, बिकॉज द मेन जॉब ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैरी आउट करना है. ओके, प्रोसेस करना है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज एक्चुअली डन बाय द एट द रिएक्शन सेंटर, जहाँ पे एक्चुअली लाइट रिएक्शन होगा. तो ये जो अदर मॉलिक्यूल्स है विच आर एक्चुअली हेल्पिंग सपोर्टिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द लाइट आर कॉल्ड एज अ लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स और एंटेने मॉलिक्यूल्स. सो दिस एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड द अदर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स विच आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर प्लांट, दे आर एक्चुअली फॉर्म दिस पर्टिकुलर सिस्टम कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स और द एंटेने मॉलिक्यूल. इनका काम है कि ये सिर्फ एंड सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको ट्रांसफर करते रहेंगे टू द क्लोरोफिल ए फोटो सिस्टम, सॉरी क्लोरोफिल ए फोटो सेंटर विच विल कैरी आउट द रिएक्शन. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज रिएक्शन सेंटर. इट इज दैट वन पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विच कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट. ओके, एंड जिसको बाकी सब सेंटर्स, बाकी सब पिगमेंट्स लाइट ट्रांसफर करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग. सो इफ आई वॉन्ट टू शो दिस इन अ simple way, other technique, I hope I can get okay. I hope you can see the whiteboard. So let's see this all. जो जो भी रेड रेड बना रहा हूँ, ये रेड रेड इज नथिंग बट अ डिफरेंट पिगमेंट. ओके, सो दीज आर वन टाइप ऑफ पिगमेंट. व्हाट इज हैपनिंग? ओके, तो ऐसे बहुत सारे रहते. ओके, सिमिलर वे में okay, so okay, I hope you can see there are three red colored circles, दो blue है और एक सबसे ऊपर है वो green है. तो let's say यहाँ से light जा रहा है,
ओके सो दिस इज माय लाइट कमिंग फ्रॉम हियर. तो ये जो रेड ग्रीन वाला है दैट इज एक्चुअली माय ए मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल व्हिच इज एक्चुअली रिएक्शन सेंटर. और ये बाकी के लेट्स से जो बाकी के ब्लू वाले हैं दे मे बी अदर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल. और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट ये जो रेड है मे बी दे आर कैरोटेनॉइड्स. सो व्हाट हैपेंस द एनर्जी इज एक्चुअली ट्रांसफर फ्रॉम जैसे ये लाइट आएगा लेट्स से यहां से भी आ रहा है तो यहां पे जो भी लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है अल्टीमेटली वो जाएगा यहां पे. सिमिलर यहाँ से जो भी आ रहा है अल्टीमेटली जाएगा यहाँ पे या फिर थ्रू दिस मॉलिक्यूल. सो एनर्जी इज एक्चुअली पास टेकन अप फ्रॉम द सनलाइट बट इट इज अल्टीमेटली पास टू दिस वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एंड दिस दैट्स व्हाई दिस इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल द ग्रीन वन इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ फोटो सेंटर और अ रिएक्शन सेंटर. ओके एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन सेंटर एज आई मेंशन दैट इज अ P680 एंड P700. I hope I am clear with the reaction center part. After that, there is another concept called as photosystem. So, जो मैंने तुमको just अभी दिखाया the entire thing. I'm sorry, I deleted that thing again. But then okay. I hope now you can see the screen again. So, जो तुमको मैंने अभी दिखाया था, वहाँ पे क्या-क्या था? 3 red, 2 blue and the सबसे ऊपर वाला टॉप पे था ग्रीन कलर का. सो द एंटायर सिस्टम एक्चुअली इज नथिंग बट वी कैन कॉल इट एज अ फोटो सिस्टम. ओके सो व्हाट इज फोटो सिस्टम? सो दिस आर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम व्हिच आर प्रेजेंट इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट ईच कंटेनिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ पिगमेंट्स व्हिच मेनली कम ऑब्वियसली व्हिच मेनली कंटेन्स द क्लोरोफिल्स एंड द कैरोटेनॉइड्स मॉलिक्यूल. ओके so this chlorophyll and the accessory pigment as I mentioned help to capture the light energy and pass it on to the photosensor. Okay so ultimately whatever light is absorbed by one particular pigment maybe it is other type of chlorophyll or xanthophyll or carotene kuch bhi rahega it is then taken up anywhere from kuch bhi layer rahega it will ultimately transfer kahan pe ho raha hai wo P680 molecule ko. सिमिलर दैट्स वाई तो जैसे कि हम देखा कि मतलब ऐसे सेम होगा अगर इन अदर केस जहाँ पे देर इज अ ग्रुप ऑफ सेंट मॉलिक्यूल पिगमेंट्स विच कंटेन P700 सेंटर तो जितना भी लाइट एब्जॉर्ब होगा दैट विल एक्चुअली गो टू द P700 सेंटर. तो दैट इज अ वन पॉइंट जहाँ पे एक पर्टिकुलर सिस्टम बन जाता है जहाँ पे वट एवर मॉलिक्यूल्स ऑफ वट एवर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रेजेंट उसके अराउंड दोज विल कीप ऑन सेंडिंग और ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर फोटो सिस्टम sorry that particular reaction center and now that's why this one particular group or a cluster of a pigment molecule which is actually transferring the energy to the to the one particular photo center it is called as a photosystem. So last time in the last slide in the reaction center it is just one molecule we were talking about which is actually carrying out the reaction. However in case of photosystem it's a cluster of pigment the entire system jo present hai ki jo लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है और ट्रांसफर कर रहा है तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल दैट इज अ फोटो सेंटर इज कॉल्ड एज अ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. तो बेस्ड ऑन अगर वो P680 वाला है जहां पे मतलब मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है एट 680 नैनोमीटर देन वी कॉल इट एज अ फोटो सिस्टम 2 और PS2. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द नंबर्स बिकॉज यू हैव टू कीप इन माइंड कि P680 रहेगा तो वो फोटो सिस्टम 2 होगा P700 रहेगा तो वो फोटो सिस्टम 1 रहेगा. जनरली पीपल गेट कंफ्यूज लोगों को लगता है 680 है तो स्मॉल नंबर पहले आता है तो वो 1 रहेगा और 702 रहेगा. नो दैट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन मेनी पीपल हैव एंड दैट इज रॉन्ग. 680 इज अ फोटो सिस्टम 2 एंड P700 एक्चुअली फॉर्म्स अ फोटो सिस्टम 1. सेम हैपेंस इन केस ऑफ P700 एज आई मेंशन व्हाट हैपेंस इन 680 के केस में कि एंटायर द सिस्टम जो पिगमेंट्स द एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड द क्लोरोफिल्स दे विल एक्चुअली come together form a cluster and it will form a photosystem 1 which will help in a efficient absorption of light and carrying out the reaction of photosynthesis that is a light reaction. Okay after this there are two we will discuss the photosystem 1 and 2 in little bit detail. Actually I understand that speaking about 1 and 2 right now is not a